Welcome back in your favorite channel, Easy Way to Learn with Preeti, and your host and educator Preeti, and you are watching your favorite channel. तो गाइज आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल पर. लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने किया था अबाउट द रूल्स एंड रूल्स रेगुलेशंस रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट. तो आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को कि किस तरीके से जो है डिफरेंट सेंटेंसेज में हम चेंज करेंगे. बट सबसे फर्स्ट जो है हम करेंगे डिक्लेरेटिव यानी एसरेटिव सेंटेंसेज को किस तरीके से चेंज किया जाता है. तो एसरेटिव सेंटेंसेज हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं या ऑप्टेटिव सेंटेंसेज हैं, सबके लिए जो है डिफरेंट रूल्स हैं. सबके साथ जो है रिपोर्टिंग वर्ब टू रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हम जो है कौन सी कंजक्शन का यूज़ करते हैं, किस तरीके से जो है कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव किया जाता है, और किस तरीके से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को हम चेंज करते हुए कहाँ पर क्या नया लेकर आते हैं, आज वो है हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. अभी तो वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, तभी आपको जो है अच्छे से समझ आएगा. सो आई होप यू विल कीप विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द टॉपिक. तो गाइस जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं एसरेटिव सेंटेंसेस के अंदर तो क्या किया जाता है, इन चेंजिंग एन एसरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कुछ चेंज किए जाते हैं. जैसे से जो है वो टेल में चेंज हो जाता है या रिप्लाई में या रिमार्क में या आंसर में. और रिपोर्टेड वर्ब इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट देन देयर इज नो चेंज इन से. से अगर आता है ये सेड वाले सेंटेंसेस हैं, अगर से वहां पर आ जाता है तो वहां पर आप कोई चेंज नहीं करेंगे. कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है उनको हम चेंज कर देते हैं जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. तो देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम करते हैं. अभी देखिए ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच. क्या है ये डायरेक्ट स्पीच, यहां पर हमने इनडायरेक्ट बनाया है. अब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हुए क्या किया जाता है. सी सैड आई एम अ टीचर. सी सैड रिपोर्टिंग वर्ब, आई एम अ टीचर रिपोर्टेड स्पीच. ये रिपोर्टेड स्पीच है. सबसे फर्स्ट आपको इस तरीके से सिंपल सेंटेंस को पहचानना है. इट्स अ एसरेटिव सेंटेंस. सी सैड, तो पहले तो हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देंगे. सी सैड दैट, हमने दैट कंजक्शन को यूज किया है. आई एम अ टीचर, इट्स प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस के लिए मैंने रूल लिखवाया था, प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस. प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल. आई एम अ टीचर. आई पहले आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था सन फॉर्मूला, एस ओ एन 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन देयर विल बी नो चेंज. ओके, तो आई जो है वो हमारा कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो आई का हमने क्या बना दिया, सी. क्या बना दिया, सी. एम हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, एम को बना दिया वाज. आप टीचर इट्स ऑब्जेक्ट, तो ये एज इट इज रहेगा, सी वाज अ टीचर. ये आपको बताया है किस तरीके से चेंज करना है. नेक्स्ट आपका डायरेक्ट स्पीच क्या है, यू सैड आई एम डूइंग माय वर्क. आई एम डूइंग माय वर्क, ये क्या है आपका, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रोग्रेसिव टेंस है. यू सैड, तुमने कहा, आई एम डूइंग माय वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ. अब इसी को इनडायरेक्ट वे में चेंज करते हैं. यू सैड दैट, तुमने कहा है कि यू वर. आई का हमने क्या बना दिया, यू. ये बना है हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. यू वर डूइंग योर वर्क, कि तुम तुम्हारा काम कर रहे हो. बात तो वही है, मैं अपना काम कर रही हूँ. यहाँ पर तुमने कहा है कि तुम तुम्हारा काम कर रहे हो. यू वर डूइंग योर वर्क. ओके, समझ आ गया, वेरी गुड. Next in this is direct speech. I said to him, ये क्या है हमारा reporting verb. I said to him, कैसे पहचान होगी इसकी, कोमा से आगे का जो होता है that is reporting verb.
कोमा से आगे, इन्वर्टेड कोमास में जिसको हम यानी कोटेशन के लिए यूज करते हैं ना, किसी की कही हुई बात को, इट इज कोट कोटेशन इन्वर्टेड कोमास। मैंने एक पंचुएशन मार्क की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको अच्छे से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हैं। इन्वर्टेड कोमास में हमने क्लोज किया है, यू आर आ नाइस बॉय, यू आर आ नाइस बॉय। आई टोल्ड हिम दैट सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। सेड टू को किस में चेंज किया हमने, टोल्ड में। आई टोल्ड हिम ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। आई टोल्ड हिम दैट यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ओके। यू चेंज इनटू ही आर वोज में ही के साथ वोज आ जाएगा, ही वोज आर नाइस बॉय, ठीक है। कोई डाउट कोई क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच है, नेक्स्ट डायरेक्ट क्या है हमारा, सी सैड टू मी यू टेल अ लाई। सी सैड टू मी यू टेल अ लाई। सी टोल्ड मी, सैड टू चेंज इनटू टोल्ड। सी टोल्ड मी दैट यू, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू किस में चेंज हो गया आई में, आई टोल्ड अ लाई। टेल जो है फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट सिंपल, ठीक है। पास्ट सिंपल में वी टू आता है, तो सी टोल्ड मी दैट आई टोल्ड अ लाई। क्लियर, यहां तक समझ आया सबको। ये एग्जांपल्स जो है हमारे एसरेटिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल हैं। तो कुछ और एग्जांपल करते हैं। तो गाइस, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस, ये ध्यान रखिए, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है आगे का जो कोमा से आगे का जो पार्ट होता है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो इस तरीके से है, से टेल, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, देन देयर विल बी नो चेंज। तो किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर वो पास्ट टेंस में है ओनली दैट इन दैट केस देयर विल बी चेंज। तो चेंज किस तरीके से होगा, देखिए, सी सेज, सी सेज I do not study at night. She says, वो कहती है मैं रात को स्टडी नहीं करती। She says that, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव कर दिया, भगा दिया इनको, इनकी जगह हमने लगा दिया that को। She says that I first person according to subject. She says that she, she के says singular, तो singular के साथ हमारी does form आता है। She doesn't study at night. Same रहेगा आगे का, ओनली आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, वर्ब चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, दीज आर वेरी 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 इजी। सो गाइज, आप इसको माइंड में लेके चलिए, ये वॉइसेस से भी ज़्यादा इजी है, मुझे तो वॉइसेस ही बहुत इजी लगते थे। द सर्वेंट सेज, सर्वेंट ने, सर्वेंट जो है वो कहता है या कहती है टी इज रेडी। सर्वेंट सेज दैट, सी और सेज एज इट इज रहता है, प्रेजेंट टेंस है। The servant says that tea is ready. तो मैंने बताया था आपको present tense और future tense में अगर आपकी reporting speech है then there will be no change, okay? The teacher said, ये हमारा present नहीं है, said past में आ जाता है, but board is everywhere. ये ध्यान रखिएगा, if the reporting speech, speech ये वाला है हमारा जो inverted commas में यानी quotation की form में जो हमारा आता है, If the reporting speech expresses a universal truth or any habitual act, any habitual fact, the tense of the verb in the reported speech doesn't change. Okay? अगर आपकी जो reported speech है वो कोई universal truth क्या होता है? जिसको change नहीं किया जा सकता, यानी सार्वभौमिक सत्य, और आपकी habitual act, आपकी हैबिचुअल फैक्ट का मतलब है आपकी जो कि रूटीन की जो हैबिट है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जल्दी उठते हैं, तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटी होती है अगर आप वो कर रहे हैं तो आपका वो चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड का हमने चेंज किया टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव किया, दैट आ गया, गॉड इज एवरीवेयर, तो ये सेम एज आ गया है आपका। अब देखिए लास्ट सेंटेंस जो है इसमें हमने क्या किया है, लास्ट सेंटेंस देखिए, सी सैड, सी सैड,
सी गेट्स अप एट 5 AM एवरी डे। अब देखिए ये तो हमारी हैबिट बता दी ना, सी गेट्स अप कि वो 5 बजे डेली उठ लेती है। कितने बजे उठती है? 5 बजे डेली उठ जाती है वो, ये उसकी हैबिट बताई है। सी सेड दैट सी गेट्स अप एट 5 AM एवरी डे। कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के उन्होंने दैट लगाया है, वो तो जरूरी था, तभी तो इनडायरेक्ट बनता है ना। तो नथिंग इज चेंज। तो ये क्या थे हमारे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसरेटिव सेंटेंसेस। क्या थे ये हमारे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसरेटिव सेंटेंसेस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो यहीं पर विराम दे रहे हैं। उसका रीजन है कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं वो इतना लेंथी टॉपिक है, मतलब थोड़ा सा लेंथी है बट नॉट डिफिकल्ट। ओके, तो इसमें क्या है, मैंने बताया था कि एक तो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी सिंपल सेंटेंसेस को कैसे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। एक आता है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी, यानी हमारे 4 टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं उनको अलग अलग तरीके से रूल्स के साथ जो है इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने किए हैं अभी, दीज आर रिलेटेड टू एसरेटिव सेंटेंसेस, यानी सिंपल वाक्य को किस तरीके से, साधारण वाक्य को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कि जो इंपैरेटिव सेंटेंसेज हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है और एक्सक्लेमेटरी, इनके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगी चारों तरह के सेंटेंसेज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए एंड कीप विद मी, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।